आज राम का देश रो रहा है, कृष्ण का देश रो रहा है, क्या यही मानवता है? मानव अधिकार पढ़े जिसमें लिखा गया है हम लोग मरने के बाद भी अगर दुश्मन की लाश है तो उसे उसी जो उसका बनता है उसके अनुसार उसको सौंपते हैं, अगर वो नहीं लेता सुपुर्दे खाक करते हैं, उसको कफन देते हैं। आज पुण्यतिथि पर गांधी जी का पूरा देश रो रहा है, धिक्कार है ऐसे लोकतंत्र को चलाने वालों पर। हम मंच पर पड़े, जमीन पर लेटे, आ भर रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। पूरी पुलिस की गाड़ियाँ, प्रशासन, जैसे हम उग्रवादी हो, पाकिस्तानी हो, पूरा डटे हुए थे। इस तरह भय का वातावरण प्रस्तुत किया गया, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने का, हम लोग को मारने की साजिश थी। जो लोकतंत्र का चीर हार करने में आज उसमें शामिल था, उसकी मैं उसको मैं देशद्रोही करार देता हूं और निश्चित रूप से उसका फल भुगतेंगे। कहीं ना कहीं आज वो हार गए हैं, लोकतंत्र एक बार फिर जीता है। आज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर देख लो गोदी मीडिया, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर आज आपके सीने पर चढ़कर, ये जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। कि सरकार के खिलाफ अगर आप सच भी जाते हैं तो आपको उस आंदोलन को विफल करना है। आप भारत टुकड़े गैंग कहलाएंगे, कहीं ना कहीं आतंकवादी कहा जाएगा। जो इनके गलत कामों में लिप्त रहेगा वो देश प्रेमी है, और जो गलत कामों को रोकेगा भी वो देशद्रोही है। दोस्तों नमस्कार, मैं पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, और 30 जनवरी आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, लेकिन हमारे गांधी जी के इस देश में जो अहिंसा के पाठ हम लोगों को पढ़ा के गए थे उस पर भी कुछ बातें करूंगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह से 28 जनवरी को इस आंदोलन को एक तरह से ख़त्म करने की एक रणनीति बनाई गई, एक सुनियोजित नीति बनाई गई, जिसके तहत पूरी प्रशासन यहाँ पे इकट्ठी हुई, वो तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्टी के सांसद भी आ गए, अपने समर्थकों को लेके आए रात के वक्त में। आखिर उस आंदोलन को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा था और किस तरह से वो आंदोलन बचा, उस पर कुछ बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक वगैरह बैठे हैं जो यहाँ पे कंटिन्यूअस किसान को समर्थन दे रहे हैं। चतुर्वेदी साहब, जो 28 जनवरी को जो रात थी, कितनी भयानक रात थी यहाँ पे किसानों के लिए। जय हिंद, मैं मरिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, मैं कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ, आज रोता है दिल। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उस दिन के वाकया को देखकर मेरे मन में तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि मैंने 31 साल उस सरहद पे क्यों ड्यूटी किया, किसके लिए किया, क्या यही लोकतंत्र था? गांधी जी की आत्मा आज रोती होगी। मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा खड्यंत्र था, उस दिन हाई प्रोफाइल ड्रामा सरकार का चल रहा था, तांडव मच रहा था, लोकतंत्र तार तार हो रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, हमारे ऊपर खड्यंत्र रचा गया था कई दिन पहले। पहला जो 28 के परिप्रेक्ष्य बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये कहा गया कि यहाँ का आंदोलन खत्म हो गया है, जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। जो आप देखेंगे पीछे पुलिस की व्यवस्था रहती थी उसको हटा लिया गया, यहाँ पे जवान, लड़कियाँ, बूढ़े, बच्चे थे, सब लोग डर रहे थे कि अब कौन सा वाकया होगा। हम पूरी रात टहल के बिताए हैं यहाँ लोग, और पुलिस उधर खड़ी थी चुपचाप। फिर हमारी बिजली काट दी गई, बूढ़े बच्चे शौच जाना निकलना एक डर के मारे, कोई सुरक्षा का नहीं, हम भय के वातावरण में जी रहे थे। दूसरे दिन की घटना, फिर वही अफवाह की जमींदोज कर दिया गया, अभी हटने वाले तमाम तरह से, हमारे घर से फोन आने लगे, तुम घर आ जाओ, हमें डराने लगे। शाम होते होते अचानक क्या होता है कि हमारे यहाँ पुलिस आ जाती है भारी संख्या में। यहाँ पुलिस के जवान जो डंडे लाठी रोकने वाला जो उनके पास साधन संसाधन है, हमसे कहते हैं 2 घंटे के अंदर में इसको खाली कर दीजिए। हम भयभीत सशंकित हो गए। मैंने खुद पूछा क्यों, हम तो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आखिर क्यों? बोला नहीं, निकल जाइए। ये था रवैया, कुछ लोग डर गए, सहम गए। फिर हम सभी लोग मंच के पास चले गए, वहाँ लेट गए। कुछ ही देर में पुलिस बल बढ़ते गए और संख्याएं बढ़ती गई। फिर हमें 144 धारा की संबंध दी गई, 133 का, बोला आप लोग ऐसे जाइए। पूरी पुलिस, आईजी, डीआईजी, एडीएम, एसपी सब लोग खड़े थे, 2 बटालियन पीएससी की। हम थर थर कहाँ पर थे, सब लोग वहाँ जमीन पर लेट गए, कोई टेंट में नहीं था, पूरा भय का वातावरण। कुछ ही देर में वहाँ से लगभग 40 लोगों के साथ जो यहाँ का गाजियाबाद का विधायक है, कोई गुर्जर करके वो आता है और धमकाता है, ललकारता है। वहाँ से
टिकैत जी बोलते आने दीजिए, रास्ता देने दीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप था। हमें लगा जो आज पूर्ण विश्वास हो गया है कि जैसे सिंधु बॉर्डर में घटना हुई, यहाँ पे परसों हुई, हमारे दंगा करने का प्रयास था। उस दंगे की आड़ में उसमें पुलिस भी सहयोग करती, क्योंकि मूक दर्शक बनी हुई थी, वो लोग भी हमको आक्रमण करते और हमको मार देते। वो तो शुक्रगुजार हूँ उन सोशल मीडिया का जिन्होंने फेसबुक लाइव कर दिया, यूट्यूब चैनल जिन्होंने लाइव कर दिया, डायरेक्ट सबको दिखाने लग गए। तब वो शाम गए वहाँ पर, पूरा देश लाइव को देख रहा था। हम मंच पर पड़े, जमीन पर लेटे, आ भर रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। पूरी पुलिस की गाड़ियाँ, प्रशासन, जैसे हम उग्रवादी हों, पाकिस्तानी हों, पूरा डटे हुए थे। 2 बजे तक क्रम चलता रहा। जब उनके आग्रह पर लोग आने लगे, हुजूम 100-100 की संख्या में, जब यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान के नारे लगने लगे, तब लोग पीछे हटे। धीरे धीरे 2 बजे के बाद गाड़ियाँ जाने लगी। इस तरफ भय का वातावरण प्रस्तुत किया गया, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने का, हम लोगों को मारने की साजिश थी पक्का। मेरा सवाल यह है कि जो गोदी मीडिया इस आंदोलन को बिल्कुल ही दिखा नहीं रही थी पिछले 15-20 दिनों से, वो गोदी मीडिया के तमाम टॉप के एंकर यहाँ पे आके साइड में खड़े हो गए थे कि आज तो आंदोलन खत्म है, जश्न के माहौल था गोदी मीडिया के चैनल पे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनको शर्म नहीं आती? जी बिल्कुल, जो लोकतंत्र का चीरहार करने में आज उसमें शामिल था, उसकी मैं उसको मैं देशद्रोही करार देता हूँ और निश्चित रूप से उसका फल भुगतेंगे। थैंक यू जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल, उन्होंने लाइव किया और उनके मंसूबे पानी फेरा, जो दिखाना चाह रहे थे कि आंदोलन टूट गया है, लोग भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज वो हार गए हैं। लोकतंत्र एक बार फिर जीता है। आज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर देख लो गोदी मीडिया, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर आज आपके सीने पर चढ़कर, ये जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, इस लोकतंत्र में ये कौन सा एक इन्होंने चलन चला दिया है मौजूदा सरकार ने कि कोई असंतोष की आवाज़ उठाए, आंदोलन करे, तो उसके आंदोलन में आप अपने समर्थकों को भेज दो, उन पर पत्थर चलवाओ, जैसे सिंघु बॉर्डर पे भी पहुंच गए थे, ये कौन सा चलन है? ये षड्यंत्र होता है। आपने मैं नाम ले लो, पीछे आंदोलन में जो दिल्ली में दंगा हुआ क्या हुआ, आपस में लड़ाए गए, उसके आड़ में सरकार ने भी अपना काम साधा। तो ये चाह रहे हैं कि आपस में लड़के दंगा करके इसको विफल कर दे। इनका बस अभिप्राय है कि सरकार के खिलाफ अगर आप सच भी जाते हैं तो आपको उस आंदोलन को विफल करना है। आप भारत के टुकड़े गैंग कहलाएंगे, कहीं ना कहीं आतंकवादी कहा जाएगा। जो इनके गलत कामों में लिप्त रहेगा वो देश प्रेमी है, और जो गलत कामों को रोकेगा भी वो देशद्रोही है। मेरा सवाल है कि अमित शाह जी पहुंचे थे पुलिस वालों से मिलने के लिए, जो घायल पुलिस वाले थे जिनको चोट लगी थी, लेकिन वहीं पे जहां पे 200 किसान के करीब जिनकी मौतें हो गई, शहादत हो गई, उनके बारे में तो एक शब्द नहीं निकाला किसी ने। वो भी हमारे जवान है, पुलिस वालों का हालचाल पूछना ठीक है, लेकिन किसान भी तो इसी देश के नागरिक हैं जो आंदोलन पर बैठे हैं। आज राम का देश रो रहा है, कृष्ण का देश रो रहा है, क्या यही मानवता है? मानव अधिकार पढ़े जिसमें लिखा गया है, हम लोग मरने के बाद भी अगर दुश्मन की लाश है तो उसे उसी जो उसका बनता है उसके अनुसार उसको सौंपते हैं। अगर वो नहीं रहता सुपुर्दे खाक करते हैं, उसको कफन देते हैं, संवेदना के 2 बोल बोलते हैं, मरने के बाद वो आदमी भगवान का रूप हो जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ जो किसान आंदोलन मरे थे वो क्या थे, वो बताएं? और जो पुलिस को संवेदना देने गए वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन आज हम आतंकवादियों से बढ़ के हो गए। कहीं ना कहीं ये पूरा आज परिलक्षित हो गया है, आज पूरा देश देख रहा है कि ऐसी जो भेदभाव है, क्यों कि पुलिस के पास आप जाते हैं, एक ट्रंप एक अमेरिका में दंगा होता है उसके लिए ट्वीट करते हैं, और किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं? क्या यही राम का देश है? क्या यही गांधी जी ने सपना देखा था? आज पुण्यतिथि पर गांधी जी के पूरा देश रो रहा है, धिक्कार है ऐसे लोकतंत्र को चलाने वालों पर।